की कि भाई राजू रावलों को क्या हो गया है, ऐसी आवाज आप बोलेंगे। देखिए मोदी जी आज हरियाणा में है, हरियाणा में उनको मालूम पड़ना चाहिए संजय धोत्रे जी को जिताने के लिए भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक पीछे खड़े हैं, दाहिनी ओर दाई बाई ओर सब लोग हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और विदर्भ के ही नेता श्रीमान हंसराज आहिर जी, राजूरा विधानसभा के विधायक और प्रत्याशी भाई संजय जी, संसद राज्यसभा भाई विकास महात्मे जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री रामदास जी, श्री सुदर्शन जी, श्री जुनेद्दीन जी, श्रीमती चित्राताई, डॉक्टर मंगेश जी, श्री हरीश शर्मा जी, श्री प्रमोद जी, श्री बाबू गोडाम जी और आज इस संख्या में इतनी इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले चंद्रपुर के आराध्य माता महाकाली और भगवान अंचलेश्वर जी को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भूमि में जब आया हूं तब सन 57 के क्रांतिवीर क्रांति सूर्य वीर बाबूराव सेडमाके को भी श्रद्धांजलि देकर मैं अपनी बात की शुरुआत करूं। और ये पूरा क्षेत्र आदिवासी भाइयों बहनों के निवास का क्षेत्र है, पिछड़े समाज के भाइयों बहनों के निवास का क्षेत्र है। मैं भगवान बिरसा मुंडा को भी याद करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों 21 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है और एक कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र जहां सुपर थर्मल पावर प्लांट आया हुआ है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड शहर भी कहते हैं। एक क्षेत्र के अंदर से आपने आपका विधायक तय करना है, महाराष्ट्र के अंदर अगली सरकार किसकी होगी ये तय करना है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करना। और दो खेमे पड़ चुके, एक और मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देशभक्तों की सेना खड़ी, और दूसरी ओर राहुल बाबा और पवार साहब के नेतृत्व में परिवारवादी पार्टियों का जमकट खड़ा है। जमकट आपको तय करना है विदर्भ वालों कि आने वाले दिनों में विदर्भ का विकास करने वालों को वोट देना है या इतने सालों तक विदर्भ को पिछड़ा क्षेत्र रखने वालों को वोट देना है। और मुझे भरोसा है समग्र महाराष्ट्र की जनता पर कि दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों दीपावली पूरे देश में कोई अलग तारीख को है मगर महाराष्ट्र में 24 तारीख को दीपावली मनाना निश्चित है। भाजपा कार्यकर्ता 24 को दीपावली,
आदिवासी क्षेत्र, ढेर सारे वन बंधु भाई बहन यहां निवास करते हैं। यहां पर तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले बहुत लोग काम करते हैं। मैं सबको कहने आया हूं मित्रों, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब सिर्फ 9 वन उपजों को सहायता के दाम देने की, समर्थन मूल्य देने की योजना थी। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 50 से ज्यादा वन उपज को सहायता का दाम देने की योजना एक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और मित्रों, किसानों के एक क्षेत्र के अंदर ढेर सारे काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने किए। किसानों के उपज को डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, किसान सम्मान निधि के माध्यम से चंद्रपुर जिले में लगभग 1.25 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रूपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना बनाई, जिसका सबसे बड़ा फायदा गढ़चिरौली और चंद्रपुर को हुआ है। गढ़चिरौली को 10 करोड़ और ये सुधीर बाबू हंसराज जी बैठे हैं, चंद्रपुर को अब तक 521 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ये पैसा पहले उद्योगपतियों के हाथ में जा, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये शुरुआत की कि खनिज जहां से निकलता है वहां से आदिवासी, वहां के ओबीसी समाज के लोगों का इस पर उपकार है। इसका एक बड़ा हिस्सा वो जिले के विकास के लिए खर्च करना चाहिए और इसके लिए 521 करोड़ रुपया मोदी जी ने चंद्रपुर के विकास के लिए दिया है। शरद पवार जी और अभी राहुल बाबा विदेश से आए, राहुल बाबा भी ओबीसी समाज की बात करते हैं। मैं शरद पवार साहब को पूछना चाहता हूं, जिस कांग्रेस के साथ आप बैठे हैं, पूरा जीवन कांग्रेस के साथ रहे, 70 साल तक इस देश के ओबीसी समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को संवैधानिक सम्मान क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के समाज को, ओबीसी समाज को संवैधानिक सम्मान नहीं। 1955 में काका साहेब कालेलकर ने रिपोर्ट की थी कि अदर पेपर क्लास ओबीसी समाज को, वंचित समाज को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, संवैधानिक उनको सम्मान मिलना। मगर कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। तो आपने 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, आज देश भर के करोड़ों वंचित समाज के, ओबीसी समाज के भाइयों बहनों को संवैधानिक समाज सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार ओबीसी आयोग बनाने की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के सम्मान के लिए, पिछड़ा समाज के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए हैं। और कांग्रेस ने इतने सालों तक बातें आदिवासी समाज के लिए, केंद्र के अंदर कोई अलग मंत्रालय नहीं, जब केंद्र के अंदर भाजपा के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, पहली बार ट्राइबल के लिए अलग मंत्रालय बनाने की शुरुआत एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसी का परिणाम है कि 1500 पार्टी इस देश में रजिस्टर, सब
सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के, सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के सांसद किसी एक पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा जनजाति समाज के विधायक ओबीसी समाज के विधायक, सबसे ज्यादा जनजाति समाज के मंत्री किसी पार्टी ने बनाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। और मित्रों, पहली बार आजादी के बाद इस देश में जब जब आजादी के लिए लड़ाई हुई, आदिवासी समाज ने गौरव के साथ वो लड़ाई हुई। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर आज तक अनेक आदिवासियों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया, परंतु कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के लिए 25 करोड़ के खर्च से अलग स्मारक बनाने का निर्णय कर उनको इतिहास का हिस्सा बनाने का काम किया है। और आज जब मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं मित्रों कि नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार बनी तब देश के सैनिकों के लिए, देश के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन का काम करा। नरेंद्र मोदी जी 5 साल विकास के लिए काम करते रहे, करोड़ों गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, स्वास्थ्य का कार्ड दिया, गैस का सिलेंडर दिया, ढेर सारे काम करते करते जब दोबारा 2019 में देश की जनता के पास गए, देश की जनता ने उनको 300 से ज्यादा सीटें देकर आशीर्वाद देकर फिर से प्रधानमंत्री बना। और मोदी जी को इस देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीट दी, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही सत्र में 300 सीटों का कर्ज उतारने के लिए धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का काम नरेंद्र मोदी ने 70 साल से ये धारा 370 इस देश में आतंकवादियों को घुसने का रास्ता बनी। कश्मीर जो भारत माता का मुकुट बनी उसको एक देश के लिए, एक देश के साथ परमानेंट जोड़ने के बीच में बाधा बनी। अकेले कश्मीर के अंदर 1990 से लेकर आज तक 40,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। अगर कांग्रेस पार्टी, एनसीपी पार्टी धारा 370 को अपनी वोट बैंक के कारण नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव की जीत और हार महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी सरकार बने या जाए वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, मां भारती की सुरक्षा है। मित्रों, नरेंद्र भाई ने एक झटके में धारा 370 और 35 के हटा, इन्होंने हटाया तो नहीं, मोदी जी जब हटाने गए तो विरोध करने का काम, उनको शर्म भी नहीं आया। और मैं आज राजूला की धरती पर से शरद पवार जी और राहुल बाबा को एक चुनौती देने आया हूं। अभी 2 दिन बाकी है, हिम्मत है तो पवार साहब कह दे कि उनकी सरकार बनेगी तो धारा 370 वापिस लाएंगे, अगर उनमें हिम्मत है तो राहुल बाबा कहकर देखे कि हम धारा 370 को वापिस लाए। वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा की अब तात्पर्य महाराष्ट्र की जनता जान रहा है कि शरद पवार और राहुल गांधी जी धारा 370 हटाने का समर्थन करते हैं या नहीं करते। और कांग्रेस के प्रवक्ता इससे भी दो कदम आगे जाते हैं, कहते हैं महाराष्ट्र और कश्मीर का क्या लेन देन,
महाराष्ट्र और धारा 370 का क्या लेन देन। अरे तिवन मनीष जी, ये तो ट्राइबल एरिया है मेरे ट्राइबल भाई बहन ओबीसी समाज के भाई बहन है, जरा कान खोल कर सूख ले। मैं पूछना चाहता हूँ माता हो भाई हो बहन हो, बताओ कश्मीर की सुरक्षा महाराष्ट्र की जनता चाहती है या नहीं चाहती। जरा जोर से बोलो, कांग्रेस को सुना ही पड़े, चाहती है या नहीं चाहती है। अरे आपको मालूम नहीं है ये महाराज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है, वीर सावरकर का स्वराज के संस्कार, स्वराज का संघर्ष, स्वराज की लड़ाई जहां से शुरू हुई ये प्रदेश, ये बाल गंगा गंगाधर तिलक का प्रदेश। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आप कहते हो कि महाराष्ट्र और 370 का क्या लेन देन है। महाराज का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपना सर्वस्व लौटाव करने के लिए तैयार है। आप देश को जानते नहीं हो पवार साहब, वोटर की लालच में आपको मोतिया बिंब हो गया है, दिखाई नहीं पड़ता है कि महाराज की जनता क्या है। मित्रों इतना ही कहना कि मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, मगर इनका तो है मोदी जी कहे दिन है तो कहेंगे रात है, मोदी जी कहेंगे सूर्य तो वही कहे चंद्रमा है। अब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, बताओ भैया अच्छा किया या बुरा किया। माताएं बताए ट्रिपल तलाक हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, बहनों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस और एनसी कहते हैं ट्रिपल तलाक क्यों हटा रहे हैं। मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाकर करोड़ों माताओं और बहनों को सुरक्षा देने का काम किया है, उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, मोदी जी ने देश को सुरक्षा देने का काम किया। मित्रों जब मैं यहां आया हूं राजूरा और चंद्रपुर जिले में ढेर सारे विकास के काम है। पहली बार राजूरा विधानसभा क्षेत्र में 3 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, 3 नेशनल हाईवे 70 साल में एक भी नहीं। हाईब्रिड न्यूट्री के अंतर्गत सड़कों के विकास के लिए एक ही जिले में 3,730 करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चंद्रपुर जिले में हवाई अड्डा बनाने का काम शुरू हो गया है, सिर्फ भूमि अधिग्रहण के लिए 46 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब राव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, चंद्रपुर सहित 3 जिलों में शराबबंदी लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्च करना, चंद्रपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कॉलेज के भवन के लिए 614 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया, 30 हेरिटेज स्मारकों को पर्यटन स्थल में बदलने की काम की राजूरा विधानसभा में, 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर मजबूत किए, शहरी इलाकों में विकास के लिए गौंड पिपरी 20 करोड़, जीवती 16 करोड़, गढ़ चांदू 9 करोड़, राजूरा 5 करोड़, कोरपना 3 करोड़, कुल 53 करोड़ रुपया मंजूर किया। जलयुक्त दीवार के लिए 232 गांवों के अंदर सिंचाई का काम किया। वैनगंगा नदी पर कोरपना तालुका में यावतमाल जिले को जोड़ने के लिए पहाड़ी खातेरा सेतु के लिए ब्रिज के लिए 25 करोड़ दिया। राजूरा में उप जिला अस्पताल के लिए 11 करोड़ रुपया दिया। जीवती में ग्रामीण अस्पताल के लिए 10 करोड़ रुपया दिया। राजूरा और कोरपना में स्टडी सेंटर बनाने के लिए 3-3 करोड़ रुपया दिया। अमरनाथा बांध के पास पर्यटन केंद्र बनाने की शुरुआत की। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर आदिवासी भाइयों को बांस काटने की परमिशन देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चिट्टी वाला यहाँ आए,
मुझे तो पकड़ा सीधा एयरपोर्ट हेलीपैड पर ही हमारे विधायक और हंसराज आहिर जी ने कि हमारे आदिवासी भाइयों के पट्टे कहीं छूट गए हैं कोई तकनीकी कारण से। मित्रों चिंता न करो, सिर्फ जीवनी नहीं, देश भर के आदिवासी भाइयों के पट्टे लेने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करना चाहती है और मैं जिंदी वालों को 35,000 लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट उठता है आपका विधायक मेरे साथ पास चला आए तुरंत ये पट्टे देने का काम एक भारतीय जनता का। मित्रों न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया, स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ चंद्रपुर जिले के अंदर 1,40,000 शौचालय बनाए। शरद पवार हंसते कि मोदी जी अमित शाह शौचालय को विकास करते, अरे पवार साहब जिस घर में शौचालय नहीं होता है और सुबह मां बहनों को बच्चियों को कुदरती प्रक्रिया के लिए जाना होता है खुले में जाना पड़ता है तब उनकी शर्म की आपको महसूस नहीं होगी क्योंकि आपने अरबों करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। अगर हमें मालूम है गरीब के घर में शौचालय नहीं होता है माता और बहनों की स्थिति क्या होगी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीबों को और चंद्रपुर जिले के 1,40,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाकर इनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को दिया। 1,34,000 किसानों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, 8,000 गरीबों को घर दिया, 41,800 गरीबों को माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया और 20,000 परिवारों को चंद्रपुर जिले में अकेले में बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस 70 साल का हिसाब लेकर आ जाए। पवार साहब मैं आपको चुनौती देने आया हूं, आप और कांग्रेस इकट्ठा मिलकर आपका 70 साल का हिसाब लेकर आ जाइए गढ़चिरौली के चौराहे पर, चंद्रपुर के चौराहे पर हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आ जाएगा, एक और आपके 55 साल दूसरी ओर हमारे पास। इतना विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों सिर्फ गढ़चिरौली चिमूर में सड़क कनेक्टिविटी के लिए 15,000 करोड़ रूपया दिया, महिलाओं के लिए गढ़चिरौली में स्पेशल अस्पताल, नागपुर में पूरे विदर्भ के लिए IIT IIM एम्स लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, ढेर सारी सिंचाई योजनाएं करी है, कोऑपरेटिव बैंकों को 500 करोड़ रुपया देने का काम किया है और दीक्षा भूमि के लिए 100 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, 15 साल तक आपकी सरकार चली, 10 साल तक केंद्र में सरकार चली, आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? मित्रों ऊपर डॉक्टर मनमोहन की सरकार थी, नीचे शरद पवार और कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन आया, महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने 1,15,553 करोड़ दिया, 1,15,000 कितना दिया था बोलो भाई राजूरा वालों, 1,15,000 करोड़, जरा छोट से बोलो कितना। अब आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने 1,15,000 से बढ़ाकर 4,38,760 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए देने का काम। मित्रों सबसे बड़ा काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पूरी दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाया। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते दुनिया में जहां जाओ, चाहे अमेरिका जाए, चीन जाए, जापान जाए, इंग्लैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, रशिया जाए, लंका जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, बांग्लादेश जाए, जहां जहां जाते हैं
हजारों हजारों लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। और मित्रों, मोदी मोदी के नारे लगते ही राहुल बाबा के पीठ में दर्द हो गया, उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं क्यों लगा? अरे राहुल बाबा, ये नारे जो लग रहे हैं ना, ये मोदी के लोग नहीं लग रहे, मेरे महाराष्ट्र की जनता के लिए और 125 करोड़ देशवासियों के सम्मान में मोदी मोदी के नारे लग रहे। अभी हाउडी मोदी का कार्यक्रम था, मोदी जी अमेरिका गए और राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप के साथ जब मंच पर चढ़े, लोगों का अपार समुदाय समंदर देखकर ट्रंप बोले मगर नहीं रह पड़े कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी मित्रों, विदर्भ का विकास कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। देवेंद्र फडणवीस आने के बाद विदर्भ की ओर विकास की गंगा को मोड़ने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं मित्रों, एक मौका देवेंद्र फडणवीस हमारे धोते जी को दे दीजिए, एक महाराष्ट्र को देश का नंबर एक राज्य बनाकर छोड़ेंगे, नंबर एक राज्य। मुझे बताओ भाई, आप लोग हमारे राजूरा के विधायक संजय धोते आ गया ये, आप संजय धोते जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? संकल्प की मुख्य प्रचंड आवाज के साथ मुझे भारत माता।